शहर के आजवा रोड सरदार एस्टेट 4 रास्ते के पास कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बरती गई लापरवाह कामगिरी में रोड का गड्ढा सही तरीके से नहीं भरने के कारण वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ी है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सामने अब वडोदरा शहर खाड़ोदरा शहर बन चुका है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की भ्रष्ट कामगिरी और वडोदरा कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की लापरवाह कामगिरी की बदौलत आज वडोदरा के विविध विस्तारों में गहरे गड्ढों का निर्माण हो चुका है, जहां शहर के आजवर और सदर एस्टेट के पास भी रोड की खुदाई कामगिरी करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सही तरीके से रोड का गड्ढा नहीं भरते हुए वाहन चालकों को ढेरों परेशानी भुगतनी पड़ रही है। जो ये उबड़ खाबड़ बने रोड और गड्ढे के कारण हर रोज कई वाहन चालक फंसते हुए उनके छोटे बड़े हादसे भी घटित हो रहे हैं, जिसकी ढेरों बार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें की गई है, लेकिन अभी तक सही रोड की कामगिरी नहीं करते हुए आज सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार ने तमाम वैसे कसूरवार कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए नाराजगी व्यक्त की थी। परंतु एक जगह पर वारंवार जे खोदवामां आवे छे एना कारणे जे आम नागरिक होय छे आम नागरिक घरे हैरान थता होय छे। साथे साथे आजे तमे जोई आजो के जे ट्रक फसाई गई छे, एटले कहेवानो मतलब छे के अलग अलग विस्तारोमां जे हाल खोदकाम चाली रह्या छे एना कारणे जे नागरिकोने भोगवानो वारो आवे छे। એટલે વડોદરા શહેરની અંદર જે પણ કોર્પોરેશનની કામગીરી થતી હોય સાથે સાથે કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા જે કામગીરી થતી હોય છે એના કારણે નાગરિકોને હાલાકી પડી રહી છે। વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી કમિશનરશ્રી ચેરમેનશ્રીને આપના મીડિયાના માધ્યમથી વિનંતી કરીએ છીએ કે વડોદરા શહેરની અંદર જે પણ જગ્યાએ ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હોય તેનું બરાબર પુરાણ કરી અને ત્યારબાદ રોડ બનાવવામાં આવે। કારણ કે આજે વડોદરા શહેરની અંદર અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે ગાડીઓ ફસાવવાનો સિલસિલો યથાવત રહે છે અને જે આમ નાગરિકોને ઘણી હાલાકી પડી રહી છે એના ભાગરૂપે આજે અમે વિનંતી કરીએ છીએ આપણા મીડિયાના માધ્યમથી કે વહેલામાં વહેલી તકે જે આ તમામ રોડ રસ્તા છે તેનું વ્યવસ્થિત રીતે પુરાણ કરવામાં આવે અને કોન્ટ્રાક્ટરો પર નજર રાખવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। પરમાર કમલેશ, સામાજિક કાર્યક્રમ।